जीरो पर कायम नहीं हुई है आपके थाने में, वो एफआईआर ट्रांसफर हो गया बाद में बदल जाते हैं क्योंकि लड़ाई यहाँ हुई थी। ऐसा ही हाल जिले के करेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसवंत जाटव का भी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर कोई अब जागरूक हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना आजकल बड़ा हथियार माना जाने लगा है। लोकसभा चुनाव 2019 में सोशल मीडिया का दोनों पार्टियों ने खूब इस्तेमाल किया है। दरअसल करेला विधायक जसवंत जाटव का एक वीडियो वायरल हुआ है, वो भी तब जब उन पर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी है। वीडियो में क्या है आइए देखते हैं। मृतक के परिजन विधायक जसवंत के सामने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं और इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, जबकि विधायक अपनी ठसक में माला पहन रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने जब गुहार लगाने आए पीड़ित के परिजनों ने एफआईआर की कॉपी दिलाने की मांग की तो विधायक जसवंत जाटव पीड़ित के परिजनों पर ही गुस्सा कर भड़क गए और उन्हें फटकार लगाने लगे। विधायक ने यहां तक कह डाला कि एफआईआर को चाटोगे क्या। विधायक जसवंत जाटव ने पीड़ित पक्ष की पूरी बात भी नहीं सुनी। अब वीडियो सामने आने के बाद कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां के अमोला थाना इलाके में पिछले दिनों बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी थी और मृतक के परिजन विधायक के सामने गुहार लगाने आए थे, बावजूद इसके विधायक की संवेदनाएँ नहीं जागी थी। सुप्री कुतवाली में हुई है आपकी, जीरो पर कायमी हुई है आपके थाने में, वो एफआईआर ट्रांसफर होगी यहाँ के लिए क्योंकि लड़ाई यहाँ हुई थी। 302 में जे एफआईआर तब्दील हो चुकी है, 302 लग गई हूँ। एफआईआर चाट हो गए का एफआईआर चाट हो गए का एफआईआर चाट हो गए का तू बात कर रहे कह रहा है जीरो पर कायमी हुई वहाँ पे 302 में तब्दील हो गई आपकी एफ आई आर आखिर रिलीज हो जाएगी यहाँ से मिलेगी टाइमिंग हो गई मैं कह रहा हूँ तुमसे। शिवपुरी से संवाददाता देवेश सेन की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा गांव